फ्रेंड्स, आज हम CSS कलर प्रॉपर्टीज़ को जानेंगे जो हम HTML में यूज़ करते हैं। वैसे तो 140 से ज़्यादा स्टैंडर्ड कलर्स यूज़ होते हैं। सबसे पहले कलर प्रॉपर्टीज़ में कलर्स कौन कौन से हैं और उसको हम किस तरह से लिखते हैं। प्री डिफाइंड जो कलर्स है वो नंबर्स ऑफ कलर है हमारे पास। जब हम HTML की कोडिंग करते हैं तो हम CSS स्टाइल ऐड करते हैं, उसमें कलर कोड रिप्रेजेंट करता है कलर को, जो हम स्क्रीन पर देखते हैं, वेबसाइट पर देखते हैं, उसके लिए हम सॉफ्टवेयर भी यूज़ करते हैं। अलग अलग तरीके से हम कलर कोड ऐड करते हैं। डायरेक्ट कलर है, जैसे कि ऑरेंज, ब्लू, रेड, पर्पल, डायरेक्ट हमने लिख दिया। दूसरा तरीका है हेक्सा कलर। हेक्सा जो कोड होता है हम उसको यूज़ करते हैं। हेक्सा डेसिमल में इसको हम काउंट करते हैं, जो कि 6 डिजिट का होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम हैशटैग यूज़ करते हैं, FFFFFF 6 टाइम जो मैंने किया, तो ये है हमारे वाइट कलर को रिप्रेजेंट करता है। हेक्साडेसिमल में मोर देन 60 मिलियन कलर्स है, मतलब 16 करोड़ से ज़्यादा हम कलर को डिफाइन कर सकते हैं। थर्ड है हम RGB कलर, जो हम RGB कोड यूज़ करते हैं। ये 24 बिट्स का होता है। ये बहुत सिंपल होता है। RGB का मतलब हो गया रेड, ग्रीन एंड ब्लू। इन तीनों का एक कॉम्बिनेशन है जो कैलकुलेट किया जाता है कलर कोडिंग के लिए। तो मैं इसके नीचे आपको एक छोटा सा लिंक भी दे दूंगी, जहाँ पे कलर की जो डिफरेंट कोडिंग है वो आपको बताया हुआ है, जो आप प्रोग्रामिंग करते वक्त यूज़ कर सकते हैं। फिर दूसरा है कलर हम बैकग्राउंड में यूज़ करते हैं। कलर को हम टेक्स्ट लिखने में यूज़ करते हैं, मींस कलरफुल राइटिंग लिखते हैं। कलर को हम बॉर्डर पर अप्लाई करने के लिए भी लिखते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप में हम कलर को अप्लाई करते हैं और उसके इफ़ेक्ट को भी हम ब्राउज़र पे हमेशा ही देखते हैं। तो इसकी हम कोडिंग कैसे करते हैं हम वो देखते हैं अभी। ओके फ्रेंड्स, तो हम नोटपैड प्लस प्लस में हमारा कोडिंग लिखना स्टार्ट करते हैं। कोडिंग लिखने से पहले हम अपने सभी कंटेंट को लिखना है, तो उसके लिए हमारे सेक्शन टैग को पहले लिख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर अपने पेज का टाइटल डाला है, CSS कलर इन HTML पेज। कोडिंग लिखने से पहले बॉडी में हम हमारे पेज को सेव कर लेते हैं। css color.html हम पेज को डेस्कटॉप पर ही सेव कर लेते हैं। उसके बाद हम बॉडी में या तो पैराग्राफ लिख लेते हैं या तो एक हेडिंग, एक टाइटल डाल लेते हैं, जिसमें हम टेक्स्ट के साथ कलर अप्लाई कर कैसे किया जाता है वो देखते हैं। मैंने यहाँ पर एक हेडिंग ले ली हाय फ्रेंड्स का और एक दूसरा एक पैराग्राफ ले लेते हैं। हमने एक पैराग्राफ ले लिया। सबसे पहले हम जो हम CSS कलर की कोड अप्लाई कर रहे हैं उसमें हम इनलाइन स्टाइल यूज़ करेंगे। आपको पता है CSS में तीन तरह के स्टाइल यूज़ की जाती है, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो पहले हम इनलाइन यूज़ करते हैं। जब हम इनलाइन यूज़ करते हैं तो आपको पता है कि हम टैग के साथ हमारा स्टाइल यूज़ करते हैं, मीन्स स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं।
इस वक्त हमारा स्टाइल एट्रीब्यूट है कलर, तो हम अलग अलग तरह से कलर को अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम टेक्स्ट को चेंज करेंगे, टेक्स्ट में कलर अप्लाई करके देखते हैं। तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, स्टाइल कलर रेड। हम साथ साथ में इसका प्रीव्यू भी देखते हैं। देखिए मैंने कलर डाला है टेक्स्ट के लिए स्टाइल में, तो मेरा हेडिंग का कलर जो है वो चेंज हो गया। सेकंड सेम मैं पैराग्राफ में डालती हूँ स्टाइल ब्लू, दोनों ही कलर यहाँ पे चेंज हो गए। अब हम इसका बैकग्राउंड चेंज करके देखते हैं। बैकग्राउंड चेंज करने के लिए जिस जैसे यहाँ पे हमने लिखा कलर रेड, इसके बाद हम सेमी कॉलन लगाएंगे, ये ना भूलें। अब हम बैकग्राउंड चेंज कर रहे हैं, तो हम बैकग्राउंड के लिए कलर देंगे बैकग्राउंड कलर पर्पल। वैसे ही मैं पैराग्राफ में कर देती हूँ, सेमी कॉलन यूज़ करेंगे। उसके बाद हम स्टाइल में बैकग्राउंड चेंज कर रहे हैं, येलो। आप यहाँ पे देखिए साथ साथ में यहाँ पर कलर भी चेंज हो गया है। फर्स्ट हमने टेक्स्ट का कलर चेंज किया, सेकेंड टाइम हमने उसमें बैकग्राउंड ऐड किया। अब हम इसमें बॉर्डरिंग भी करते हैं, बॉर्डरिंग भी करके देख लेते हैं। सेमी कॉलन हम बॉर्डरिंग दे रहे हैं, तो उसके लिए हमें बॉर्डर हमने यहाँ पे 2px लिखा है। px का मतलब होता है पिक्सल। कौन सा कलर दिया है हमने, तो सॉलिड ब्लू। आपको नहीं दिख रहा होगा, एक मिनट मैं यहाँ पर लाइट ब्लू। अब आप देखिए हमारा जो बॉर्डर है वो ब्लू कलर में आ गया। सेम हम पैराग्राफ में भी दे देते हैं। हमने रेड कलर का बॉर्डर दिया। अब हम पिक्सल का साइज कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 5px किया और पैराग्राफ में मैंने 10 किया, तो आप देखिए यहाँ पे बॉर्डर का साइज आप जितना हमें चाहिए उस हिसाब से कर सकते हैं। अभी तो हमने सिंपल कलर कलर्स के नाम लिखे हैं, इसी को हम हेक्साडेसिमल और आरबीजी कलर दोनों ही कोड जो है उनको भी अप्लाई करके देखते हैं। हमें सेम पैराग्राफ जो है वो नीचे ले लेते हैं और हम इन दोनों का हेक्सा और आरजीबी दोनों चेंज करके देखते हैं। पहले मैंने कलर के नाम लिखे थे, अब मैं यहाँ पर हेक्सा का एक कलर कोड डालती हूँ। तो आप देखिए सबसे पहले मैंने ब्लू का जो हेक्सा डेसिमल में जो कोडिंग है वो हैशटैग लगाकर होता है। इसमें 6 डिजिट होते हैं, 6 नंबर से मिलकर ही ये बनता है।
और सबसे ज़्यादा यही कोडिंग यूज़ होती है क्योंकि इसमें नंबर्स ऑफ कलर्स बहुत ज़्यादा है, मीन्स आपको मोर देन 16 मिलियन से ज़्यादा कलर आपको मिलेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब मैंने यहाँ पर कलर कर दिया। ठीक इसी तरह बैकग्राउंड में हम दूसरा कलर डाल लेते हैं। फर्स्ट हमारा जो था वो बैकग्राउंड कलर था लाइट ब्लू और हमने कलर लिया था रेड कलर। जब हमने सेकेंड टाइम हमने हेक्साडेसिमल में कलर यूज़ किया तो हमने यहाँ पर हेक्साडेसिमल का जो कोड था, ग्रीन का जो कोड है वो लिखा, तो आपने देखा कि वो यहाँ पर चेंज हो गया, ग्रीन में आ गया। ठीक उसी तरह हम बैकग्राउंड में भी हेक्साडेसिमल हेक्सा कलर का ही कोड डाल लेते हैं। अभी देखिए फ्रेंड, मैंने येलो के लिए हेक्साडेसिमल का कोड डाल दिया। उसी तरह हम पैराग्राफ में भी कर लेते हैं। पैराग्राफ में मेहरून कलर का हेक्स कोड लिख रही हूँ। तो देखिए आप यहाँ पे कलर्स का चेंज हो गया। ठीक उसी तरह बैकग्राउंड में भी ब्लू कलर ले लिया। इसी तरह से हम बॉर्डर में भी चेंजेस कर सकते हैं, हम इसके बॉर्डरिंग भी कर सकते हैं। हेक्साडेसिमल के बाद हम आरजीबी कलर कोड यूज़ कर देखते हैं। हम ये पूरा का पूरा पैराग्राफ फिर से कॉपी कर नीचे ले लेते हैं। हम आरबीजी कलर कोड ले रहे हैं तो हम ब्लैक का ही ले रहे हैं। ब्लैक के लिए आरजीबी कोड होता है 000। बाय डिफ़ॉल्ट भी ब्लैक ही होता है। बैकग्राउंड कलर हम ग्रे ले लेते हैं। ग्रे हो गया। जब हम आरबीजी कलर लिखेंगे तो कलर कोड के साथ हमें आरजीबी भी लिखना है। पैराग्राफ में भी हम कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ हम मजेंटा कलर यूज कर लेते हैं। देखिए हम इसी तरह आरबीजी कलर को बॉर्डर में भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया। हम यहाँ पर भी चेंज करके देख लेते हैं। ब्लैक बॉर्डर हो गया। आपने देखा कि नंबर्स ऑफ टाइम हमने तीनों ही तरह से कलर कोड को अप्लाई किया और तीनों ही बार हमें कलर कोड चेंज मिले। टेक्स्ट कलर, बैकग्राउंड कलर एंड बॉर्डर कलर। होप आपको कलर कोड समझ में आया होगा, तीनों ही कोड को हम किस तरह से यूज़ करते हैं। तो मैंने आपको ये छोटे से एग्जांपल दे करके तीनों ही कोड को कैसे अप्लाई करना है वो आपने देखा। आप इंडिविजुअल कलर भी अप्लाई करके देखिए, साथ में आप कंबाइंड कलर भी यूज़ कर देखिए, बॉर्डर में भी आप डिफरेंट कलर यूज़ करिए, आप कैसे पिक्सल छोटा बड़ा कर सकते हैं वो भी कर देखिए। तो आपको ये शायद ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा और आप बेटर तरीके से प्रोग्रामिंग लिख सकेंगे और इसको प्रैक्टिकल में यूज़ भी कर सकेंगे। हम इसको एक बार हमारे ब्राउज़र पर भी देख लेते हैं कि इसका लुक हमें किस तरह से मिलता है। देखिए फ्रेंड्स,
आपको तीनों ही कलर के एग्जांपल बखूबी समझ में आ रहे होंगे। आपको इसमें जो भी पूछना हो, कोई भी डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा वो मुझे आप ज़रूर बताइएगा। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जो इसके आगे के जो भी सेशंस है वो वीडियोस मैं आपको बहुत आसानी से दिखा सकूं। थैंक यू।